No. Oh, आइए. सागर जी, आप कब से पत्ते खेलने लग गए? मैं तो बचपन से ही पत्ते खेलता हूँ. हाँ, बिंदु आंटी, मॉम और सारा परिवार बैठ के जन्माष्टमी के दिन रमी खेलते थे. है ना मेरी बेस्ट फ्रेंड बिंदु आंटी. पर हाँ सागर, तुम्हें अब तक रमी खेलने नहीं आई. उसने लाल की दुक्की फेंकी. हाँ. तुम्हें ये फेंकना चाहिए था ना. अरे हाँ, ये तो बिल्कुल सही चाल है. पता है मही, बिंदु आंटी और मॉम जब रमी खेलने के लिए बैठते थे ना, तो उनके अगल बगल में पूरा परिवार बैठ जाता था ये देखने के लिए कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा. ओहो, है मसी? हाँ. क्या हो रहा है? अरे वाह, अब तो सासू माँ भी आ गई. तो आज सासू माँ और बिंदु मसी के बीच में एक बाजी हो जाए. चलो. अरे नहीं नहीं, तुम लोग खेलो, हमने हमारी उम्र में बहुत खेला है. अरे ले बोलो, अभी आपकी उम्र कहाँ गई है? अभी तो आपकी उम्र है जरा सी है, और हमारी सासू माँ है एकदम जवान जवान, तो आप तो एकदम सही में जवान जवान हो. चलो चलो सागर जी, पत्ते बांटिए. चलो. यस. हाँ हाँ, सासू माँ आइए आइए आइए. शुभारंभ. आओ बैठो बैठो. बिंदु मासी, पत्ते लीजिए, पत्ते लीजिए, पत्ते लीजिए बिंदु मासी. हाँ, हाँ. चलो चलो, गेम शुरू करो. हाँ हाँ हाँ, चलो चलो. ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट. मॉम पहले आपकी चाल. अच्छा, ओके. चलो चलो बिंदु. हाँ चल, जय गणेश हो गया. मॉम मुझे लग रहा है आप हारने वाली हो. जीत तो मेरी ही होने वाली है सासू माँ. बिंदु मासी की जिंदगी में खुशी आने की शुरुआत हो गई है. लादे लादे, छोटी छोटी खुशी लादे. लेकिन मैं जो बिंदु के लिए खुशी लाने वाली हूँ, उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है. पूरा परिवार मेरे साथ है. आज आप अकेली पड़ गई है ना. बादाम का हलवा आ गया. मेरी मम्मी, ये लो तत्थो, और बताओ कैसा बना है. मीरा, ये क्या बनाया है आपने? बादाम का हलवा बनाया है या सिर्फ बादाम उबाल कर लेकर आए हो? मैंने तो पहले ही बोला था मई भाभी, मुझे बादाम का हलवा नहीं आता है. तो फिर किससे आता है? बिंदु आंटी को. हाँ, बहुत अच्छा आता है इनको. नहीं नहीं, काफी साल हो गए मैंने हलवा बनाया नहीं, तो अब याद नहीं है. ओहो बिंदु, जैसे गाड़ी चलाने वाला गाड़ी चलाना नहीं भूलता, क्रिकेट खेलने वाला क्रिकेट नहीं भूलता, और मही एक्टर कभी एक्टिंग करना भी नहीं भूलता है. हाँ, और मही और मॉम कभी झगड़ा करना नहीं भूलते. बिंदु मासी हलवा बनाना नहीं भूल सकती, नहीं भूल सकती, नहीं भूल सकती. तो आज बिंदु मासी अपने हाथों से हम सब के लिए हलवा बनाएगी. बनाइए ना बिंदु जी, बनाइए ना प्लीज. दी, आज ये सब अचानक मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे बिंदु आंटी, आप तो मही को जानती है ना, इसके दिमाग में कभी भी कुछ भी चलता रहता. हाँ. अब कल कह रही थी कि आज का दिन सोनिया भाभी के नाम, पिछले हफ्ते कह रही थी कि आज का पूरा दिन कन्हैया लाल जी के नाम. लगता है आज आपकी बारी है. बिल्कुल सही, आज तो बिंदु मसी उनके लिए जीने का मन कर रहा है. तला 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 बनाते बिंदु मसी. चले चले चले. ससमा, देखा आपने, अब तो मैं धीरे धीरे बिंदु मासी को पूरी तरह से खुश कर दूंगी, और आज रात की पार्टी में तो उन्हें चौंका ही दूंगी. चौंक तो जाएगी, लेकिन वो अकेली नहीं, तुम सब. हेलो, क्या हुआ, पता चला? क्या हलवा बनाया है बिंदु मासी, ऐसा लाजवाब हलवा तो मैं पहली बार खा रही हूँ. वाह,
सच कहो तो मैंने काफी सालों के बाद बादाम का हलवा बनाया है। बीती बातों को भूल जाओ और बिंदु रोज हमें बादाम का हलवा बनाकर खिलाएगी। हाँ। जी मैं पानी पी के आती हूँ। सासू माँ ये क्या कर रही हो आप? एक तो हम इतनी मुश्किल से बिंदु मासी को खुशियां देने की कोशिश कर रहे थे और आप होगी बीती बातें वो सब याद दिलाकर आप उन्हें कौन सी तकलीफ पहुंचाना चाहती थी? मई वो पानी लेने गई है, पंजाब नहीं गई है। सॉरी सॉरी। और ये हम दोनों के बीच की बात है, तुम नहीं समझोगी। बस बस सासू माँ आपकी बातें तो बाद में ही कीजिएगा और मुझे हराने के चक्कर में ना बिंदु मासी की खुशियां छीनने की कोशिश मत कीजिए आप। शर्त हमारे बीच में लगी ना तो जरा ईमानदारी से खेलिए। बिंदु मासी अच्छा बिंदु मासी मुझे लगता है कि शायद आप बादाम का हलवा खाना भूल गए हैं ना, इसीलिए वो डिप्रेशन की गोलियां ले रही है आप। डिप्रेशन? डिप्रेशन? बिंदु तुम डिप्रेशन की गोलियां लेती हो? नहीं वो नहीं नहीं क्या बिंदु मासी, कल रात को मैंने खुद देखा था। बस करो मही, तुम्हें तो कुछ बताना ही नहीं चाहिए था। तुम लाउडस्पीकर हो लाउडस्पीकर, और हाँ मेरी पर्सनल लाइफ में घुसने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, समझी? और दी डिप्रेशन की गोलियां लेती हूँ पर कभी कभार। बिंदु बिंदु मासी बिंदु मेरी बस खुश, बोला था ना मैंने कि ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर। अब मना ना वो चौंकाने वाली बिलेटेड बर्थडे पार्टी बिना बिंदु के, तो अब क्या करेंगे सासू माँ? मंजीरा वगड़ मैं लेते आता हूँ। एक मिनट, तुमने तो मेरा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। मम कौन सा खेल? वो सरप्राइज पार्टी के साथ सरप्राइज था, अब पार्टी नहीं रहेगी तो क्या सरप्राइज दूंगी मैं? आपका खेल बिगड़ सकता है सासू माँ, लेकिन मेरा खेल कभी नहीं बिगड़ सकता। देखना बिंदु मासी वापस जरूर आएगी और उनका बिटुले जन्मदिन हम धूमधाम से मनाएंगे, क्योंकि मही मेहता कभी हार नहीं सकती। अच्छा तो अब हारने की तैयारी कर मही मेहता, क्योंकि मैं जो सरप्राइज देने वाली हूँ उससे बिंदु डिप्रेशन की गोलियां लेना छोड़ देगी। ना ना हाँ सासू माँ, मेरी वजह से बिंदु मासी गोलियां छोड़ देंगी। तुम्हारी वजह से तो वो चली गई। हाँ तो वापस भी आ जाएंगी, देखते हैं जीत किसकी होती है। मेरी 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 मदर मेरी।